तो अगर आपने भी अभी डिज़ाइन सीखना स्टार्ट किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को फुल वॉच करना। अगर आप क्रिएटिव और ट्रेंडिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर यू। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ न्यू पेज विथ 1080, हाइट 1080, रेजोल्यूशन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। 300 मैंने यहाँ पे रखा है, क्लिक हिट। ओके, तो मैं आज आपको बहुत बेसिक से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक शेप क्रिएट करेंगे। रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करने के बाद हम लोग स्ट्रोक पे जाएंगे। स्ट्रोक के फिल, स्ट्रोक को मैं यहाँ से बंद करूँगा, फिल को ऑन करूँगा। ओके, मैंने यहाँ पे कलर दे रखा था तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसे म्यूटेड कलर में या फिर इमेज के कलर से आप जा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। प्रेस कंट्रोल टी करके इसे बिगर करेंगे एंड इसे मिड में रखेंगे, ठीक है। मैंने जस्ट यहाँ पे इसे सेट किया। ओके, एंड अगेन मैं रेक्टेंगल टू पे क्लिक करूँगा। ओके, एंड यहाँ से मैं कलर चेंज कर रहा हूँ एंड मैं एक और शेप यहाँ पे क्रिएट करूँगा, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ पे इसे क्लिक क्रिएट किया स्क्वायर में। ओके, एंड इसे यहाँ पे कंट्रोल के साथ बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे एंड इसे हम लोग लाइन कर लेंगे। ओके, इस लेयर को मैं एक और डुप्लीकेट करूँगा। प्रेस कंट्रोल जे प्रेस करेंगे एंड नीचे वाले लेयर का फिल को मैं यहाँ से 0 करूँगा। एंड यहाँ एफएक्स पे क्लिक करने के बाद आप एक स्ट्रोक पे जाओगे एंड स्ट्रोक का कलर को मैंने यहाँ पे 2 रखा है एंड कलर का ब्लैक लिया है, ठीक है। ओके करेंगे एंड जस्ट एरो के हेल्प से आप इसे नीचे ड्रैग करेंगे। ओके, जस्ट लाइक दिस मैंने यहाँ पे इसे सेट किया। ओके, एंड नाउ यहाँ पे हम लोग आप इस रेक्टेंगल पे हम लोग एक इमेज को डालेंगे। तो मैंने यहाँ हंस प्लस से मैंने यहाँ पे एक इमेज डाउनलोड कर रखा है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो मैं इसका एक और डुप्लीकेट करूँगा प्रेस कंट्रोल जे से एंड नीचे वाले लेयर को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। ओके, मैं फिलहाल इसे हाइड करूँगा एंड इस लेयर पे रहते हुए हमें राइट क्लिक करना है एंड क्रिएट क्लिपिंग मास्क। ओके, एंड प्रेस कंट्रोल टी करके आप इसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज करोगे। ओके, एंड दोनों को सिलेक्ट करके मैं इसे थोड़ा और दोनों को सिलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग इसे अरेंज करेंगे। ओके, एंड नीचे वाले लेयर को मैं ऑन इमेज के आई को विजिबल करूँगा। ओके, एंड अगेन इस पर राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क करेंगे एंड इसे प्रेस कंट्रोल टी करके इसे हम लोग यहाँ पे बिगर करेंगे। ओके, एंड इसे ऊपर ड्रैग करेंगे एंड इसके ब्लेंडिंग ऑप्शन को हम लोग यहाँ से चेंज करेंगे। मैं यहाँ पे मल्टी, आप यहाँ पर से किसी को भी आप इसे अरेंज करके यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई पे रखा है एंड इसके ओपेसिटी को मैं अराउंड 20 एंड 30 के बीच रखूँगा। ओके, एंड इन्हें भी मैं हम लोग यहाँ पे इसे लॉक करेंगे, ठीक है, ताकि ये डिस्टर्ब ना करें। तो अगेन मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए टाइप टूल पे क्लिक करेंगे एंड जस्ट यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा था तो इसे प्रेस कंट्रोल टी करके से बी कर करेंगे। ओके, एंड इसे ऑल्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे एक और टेक्स्ट मैं ऐड करूँगा। जस्ट मैंने क्लिक किया प्रेस कंट्रोल, जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसे हम लोग यहाँ पे अरेंज करेंगे। प्रेस कंट्रोल टी करके आप इसे ऑल्ट को होल्ड करके इसे ड्रैग करेंगे। ओके, दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम लोग सेंटर अलाइन कर लेंगे एंड अगेन यहाँ पे हम लोग पेन टूल पे क्लिक करेंगे, फिल को बंद करेंगे, स्ट्रोक को येलो करेंगे एंड यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, एंड तीनों को सिलेक्ट करके सेंटर अलाइन कर लेंगे एंड अगेन हम लोग यहाँ पे एक रूलर टूल ओपन करेंगे। तो कीबोर्ड से आप प्रेस कंट्रोल और प्रेस करेंगे तो यहाँ पे गाइडलाइन आएगा, इसे आप लोग यहाँ से ड्रैग करके आप यहाँ से इसे लाइन गाइड कर सकते हो। ओके, तो मैंने जैसे यहाँ पे इसे ड्रैग किया एंड अगेन पेन टूल पे क्लिक करेंगे एंड मैंने यहाँ पे स्ट्रोक का कलर को वाइट रखा है एंड जस्ट मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। ओके, प्रेस कंट्रोल और अगेन प्रेस करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। इन दोनों को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हो एंड अगेन इसे सिलेक्ट करके ऑल्ट को प्रेस करके रखोगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग इसे अरेंज करेंगे। ओके, एंड अगेन हम लोग रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करेंगे, स्ट्रोक को आप बंद करेंगे, फिल के कलर को यहाँ पे हम लोग पिक करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग एक बटन क्रिएट करेंगे। ओके, मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक किया एंड नीचे वाले लेयर पे कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करेंगे एंड इसे अलाइन करेंगे। ओके,
अगेन टाइप टूल पे क्लिक करना है एंड जस्ट यहाँ पे हम लोग विजिट नाउ क्लिक करेंगे लिख टाइप करेंगे। ओके फॉन्ट के कलर को हम लोग यहाँ से चेंज करेंगे एंड फॉन्ट का जो नाम है यहाँ पे नूनेटो सन्स करके उसे हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके जस्ट मैंने इसे ऐड किया, कंट्रोल टी करके इसे हम लोग स्मॉल करेंगे। ओके एंड अगेन रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करेंगे, ट्रायंगल टूल पे क्लिक करना है एंड फिल के कलर को हम लोग यहाँ पे येलो क्लिक किया एंड जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक इट ओके एंड प्रेस कंट्रोल टी करके इसे शिफ्ट के साथ 90 डिग्री रोटेट करेंगे। ओके एंड इसे ऑल्ट को प्रेस करके इसे स्मॉल करेंगे। ठीक है इसे हम लोगों ने यहाँ पे एडजस्ट किया। नाउ इस लेयर पे रहते हुए एफएक्स पे जाना है, ड्रॉप शैडो नाउ यहाँ पे हम लोग एक ड्रॉप शैडो क्रिएट करेंगे। ड्रॉप शैडो मैं 20 के अराउंड ही रखूँगा। ओके मैंने यहाँ पे 15 टाइप किया है, लिख इट ओके एंड मैं एक यहाँ पे वेबसाइट क्रिएट करूँगा। जस्ट टाइप टूल पे क्लिक करना है एंड जस्ट क्लिक ने यहाँ पे वेबसाइट ऐड कर दिया। ठीक है आप लोग बटन को थोड़ा स्मॉल भी कर सकते हैं। ओके एंड नाउ यहाँ पे हम लोग एक सोशल मीडिया का आइकन को ऐड करूँगा। जस्ट मैंने यहाँ पे इसे ऐड कर रहा, आप इसे गूगल से डाउनलोड कर सकते हो या फ्लैट आइकन से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। ओके एंड लास्ट हम लोग एक और लाइन ड्रॉ करेंगे तो पेन टूल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके रखेंगे एंड कर्वेचर पेन टूल पे क्लिक करेंगे, फिल को बंद करेंगे, स्ट्रोक के कलर को मैं एक वाइट ले रहा हूँ। ओके एंड जस्ट इसे यहाँ क्लिक करेंगे ओके लाइक दिस एंड इसे प्रेस कंट्रोल टी करेंगे, इसे रोटेट करके नीचे लेके ओके तो मैं सिलेक्ट करके ऊपर लेके चलूँगा। इस लेयर को हम लोग नीचे में लेकर के आएंगे, हाइड करेंगे, लॉक करेंगे एंड इन सारे को सिलेक्ट करके ऊपर लेके चलेंगे एंड अगेन इस लेयर को लॉक करके हम लोग यहाँ पे इसे अरेंज करेंगे। ओके एंड अगेन एक क्लिक करके स्ट्रोक का कलर कवर मैं चेंज करूँगा एंड इसे हम लोग यहाँ पे ऐप से ऐड करेंगे एंड इसे हम ड्रॉ करेंगे। ओके इसे भी हम लोग नीचे लेके चलेंगे। ओके इसे अब आप अपने अकॉर्डिंग इसे और थोड़ा नीचे ला करके इसे एडजस्ट कर सकते हैं। सो फाइनली हमारा डिज़ाइन अब रेडी हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।